नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एनटीपीसी एग्जाम का आंसर की का डेट जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों आज के डेट में नोटिस प्रकाशित हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड सी ए नंबर 01/2019 फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड की राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इफ एनी क्वेश्चन ऑप्शन की। तो दोस्तों देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का आंसर की जारी करने की घोषणा हो गई है। आप 16 अगस्त से अपना आंसर की देख पाएंगे। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर एनटीपीसी पोस्ट अगेंस्ट सीएन नंबर 01/2019 बाद कंडक्टेड फ्रॉम 28/12/2020 से लेकर के 31/7/2021 तक एग्जाम कंडक्ट हुआ था। इन ऑर्डर टू इनेबल कैंडिडेट हु अपीयर इन द सीबीटी 1 टू व्यू द क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स आंसर की लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन वेबसाइट आरआरबी व्हिच विल बी एक्टिव फ्रॉम 16 अगस्त से 8 बजे से लेकर के 23 अगस्त रात 12 बजे तक आप देख पाएंगे। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एक वीडियो बनाए थे उसमें आपको बताए थे कि आरआरबी के प्रक्रिया में अब तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि सीबीटी 1 खत्म होते के एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया था और उसके एक हफ्ते के बाद में आपको यहाँ पे आंसर की भी जारी करने की घोषणा रेलवे बोर्ड के द्वारा कर दी गई है। आफ्टर व्यूइंग द डिटेल्स अबाउट ऑब्जेक्शन इफ एनी रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑप्शन एंड की पब्लिशेड कैन बी राइट बाय द कैंडिडेट फॉर व्हिच द टाइम शेड्यूल फी एंड प्रोड्यूस इज गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पे टाइम शेड्यूल दिया गया है। एक्टिविटी देखिए व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड की 16 अगस्त 8 बजे रात से आपको देखने को मिलेंगे। वही राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन ऑप्शन एंड की एंड ऑनलाइन फी पेमेंट 18 अगस्त से 8 बजे से आपको स्टार्ट होगा और क्लोजिंग ऑफ व्यूइंग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन राइजिंग एंड पेमेंट विंडो 23 अगस्त को रात 12 बजे आपको बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसी के बीच में अपना आंसर की जरूर चेक कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पर डाउट है तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और 18 तारीख से लेकर 8 बजे रात के बाद में आप ऑब्जेक्शन वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं।